तो सिख भाई वर्कआउट शुरू करने से पहले एक मेरा सवाल आपसे बताइए, ये मुझे मिलना चाहिए था गिफ्ट क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले। हाँ, लेकिन उसका तरीका है कि आपने जाना है हमारे सोशल मीडिया पे, राइजिंग पाकिस्तान का फेसबुक पेज या तौसीक हैदर का फेसबुक पेज, उस पे जाके जब आप इनबॉक्स करेंगे तो आप हमें इनबॉक्स मिलेगा, फिर आपका नाम अनाउंस होगा। पूरा प्रोटोकॉल है भाई। एग्जैक्टली, आज का हमारा दोस्तों वर्कआउट है, फुल बॉडी वर्कआउट, दिस इज कॉल्ड डीबी वर्कआउट, डंबल बारबल वर्कआउट है। तो स्टार्ट करते हैं, हमेशा हमने वार्म अप करके कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका नाम बीबी वर्कआउट क्यों है, इसका नाम बीडी वर्कआउट क्यों है? क्योंकि ये कंफर्टेबल है प्रोनाउंसिएशन के, टंग ट्विस्टर जो होता है ना, इसलिए। अच्छा, डंबल बारबल वर्कआउट। चलिए जनाब शुरू करते हैं। सो वार्म अप करना आपने नहीं भूलना, उसके साथ हम हमें चाहिए सबसे पहले डंबल्स, वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ हम यूज करेंगे। हम इस पोजिशन में आते हैं, मैं ऐसे हो जाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, स्टैंस आपने वाइड रखना है और आपने रेज करना है। बेसिकली एंटायर वर्कआउट है, एंटायर बॉडी वर्कआउट है, 25 मिनट्स के अंदर अंदर ये वर्कआउट खत्म होना चाहिए और साथ साथ पानी की सिप करने स्टार्ट करते हैं। तो सी भाई मुझे बताइएगा कि मैं एंगल मेरा ठीक है क्या, मुझे सही देख पा रहे हैं या मैं डायग्नोज हो जाऊं? सही देख पा रहे हैं। ये एक तितली है जो उड़ना चाह रही है, डंबल रेज जाती है एंड लंज करना है आपने डीप वाइड। आपने फोकस, आपने कॉन्ट्रैक्शन और स्क्वीज पे फोकस नहीं करना, आपने टेम्पो पे फोकस करना, मोमेंटम पे फोकस करना है। देखिएगा, आपने 12 रेपिटेशंस करने हैं, एज फास्ट एज पॉसिबल आपने रेपिटेशंस करने और सेट्स करने। हमारी सेकंड मूव है साथियों, हमारी सेकंड मूव है, हमने स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, डंबल अल्टरनेट कर्ल और टोज पे आना है, हमने काफ रेस करना है, ठीक है? अल्टरनेट कर्ल्स हम यू करेंगे एंड ऑल द वे अप, ऑल द वे अप। जहाँ पे आपसे कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल फील करें, यहाँ कनेक्शन बन रहा है या नीचे आके कनेक्शन बन रहा है, आपने साथ में काफ रेज जरूर करना है। स्टार्ट ऑन, यानी पंजों के बल आपने उचकना है ताकि आपकी पिंडलियों का मसल जो है वो ट्रेन हो सके। याद रहे कि आपके जो पंजे हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे, आउटवर्ड्स नहीं होंगे तो आपका अदर मसल रिक्रूट हो जाएगा, इनवर्ड करेंगे तो एक और मसल रिक्रूट हो जाएगा। याद रहे पंजे आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। सो ऑल द वे अप एज यू गो अप। और वजन जो है हाथ में, ट्रेनर काशिप ने 3-3 किलो के डंबल्स उठा रखे हैं, आप अपनी सहूलत के मुताबिक 1-1 किलो भी कर सकते हैं, 5-5 किलो भी कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी को देख लीजिए। एक मरतबा और करके दिखाता हूँ, ऑल द वे अप। एक मरतबा मैं साइड पोज से भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा एंगल और फॉर्म समझ सकें। ऑल द वे अप, देखिए मैं ब्रीद आउट जब मैं कर्ल कर रहा हूँ, ऑल द वे अप, ठीक है? हमारी नेक्स्ट मूव है चेस्ट प्रेसेस, जिसके लिए मुझे बारबेल चाहिए होगा, अपने बारबेल लेना। अच्छा, इसलिए इसको कहा, इस दिन को कहा गया है डंबल बारबेल, यानी कभी डंबल कभी बारबेल। एग्जैक्टली, इसमें हमने अंडर हैंड ग्रिप करनी है, ग्रिप प्लेसमेंट जो है हमारी जो अंडर हैंड होनी चाहिए, ठीक है? तो हमने चेस्ट के थोड़ा सा नीचे लोअर चेस्ट की तरफ लेके आना है और हम स्टार्ट करते हैं, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन नॉन स्टॉप। और ये कितना वजन है जी? तौसीक भाई ये है 5 and 5, 10 kgs और 12 kgs ऑलमोस्ट वजन है, क्योंकि बारबेल को जो रॉड है इसको भी हम काउंट करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। नॉन स्टॉप हमने 12 रेपिटेशंस करने हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें हमने फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमारा टेम्पो है जहाँ तक आप जा सके मैक्सिमम 12 रेप्स, और हमने मैक्सिमम सर्किट्स मुकम्मल करने हैं अंडर 25 मिनट्स। पानी की ज़रूरत हो आप पानी सिप कर सकते हैं। अब हम करते हैं बारबेल पुल ओवर्स, हमने 12 रेपिटेशंस किया, 12 रेपिटेशंस ऐसे करने हमने, ठीक है? ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ब्रीद इन ब्रीद आउट। याद रहे आपकी बाजू सीधे होने चाहिए, जब अगर आपके बाजू सीधे होंगे तो आपके चेस्ट का पेक्टोरल मेजर और माइनर जो मसल है वो ही प्राइमरी मसल होगा। जैसे ही एल्बो बेंड हुई आपके लैट्स यानी कि आपका बैक का मसल इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि ये है, हमें ये नहीं चाहिए। हमने चेस्ट पे फोकस रखना है। सो ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन ब्रीद आउट, बिल्कुल ठीक आराम से डबल को अगली, अगली कौन सी है हमारी मूव? नेक्स्ट मूव है हमारी साथियों शोल्डर ऑर्डिनल प्रेसेस, जो कि हमने बैठ के करनी है। इस पोजीशन में आएंगे, डंबल को यहाँ उठाएंगे और ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, स्क्वीज स्ट्रेच ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, 12 रेपिटेशंस। और आपने ये जितने भी मूव्स हैं इनको बैक टू बैक करना है, और मेरे पास पानी भी है, आप पानी का सिप भी ले सकते हैं साथ साथ। 25 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम सर्किट्स आपने करने हैं। ये मेरी सेकंड लास्ट मूव है तो सीख भाई, वक्त है हमारे पास, इसके बाद हमारी लास्ट मूव है।
जी हमारे पास 30 सेकंड 30 सेकंड्स हैं। आपने डंबल को यूं होल्ड किया, देखिए ग्रिप प्लेसमेंट एंड ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन 90 डिग्री एंगल। आपकी जो कोनिया है वो आपकी कानों की लो के करीब होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट ऑन। और अगेन इसके अंदर अगर आप ज्यादा वजन उठाना चाहते हैं ज्यादा उठाइए, कम उठाना चाहते हैं कम उठाइए। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा फुल बॉडी वर्कआउट है, तो हमारी लास्ट मूव है डंबल को यूं होल्ड करेंगे, स्क्वाट पोजीशन में आएंगे। देखिए बायोमैकेनिकल फोर्स जब आप यूं करते हैं तो हमारे क्वाड्स मसल ट्रेन होते हैं, ठीक है। तो जब हम टो आउटवर्ड्स करते हैं तो हमारी बायोमैकेनिकल फोर्स इनसाइड जाती है। सो हम दो मसल्स को ट्रेन करें बैक वक्त, दिखाइएगा प्लीज। बैक स्ट्रेट चेस्ट, अभी आप पंजा सीधा कर लेते हैं नीचे आते हुए और फिर ऊपर जाते हुए उसको टेढ़ा कर लेते जी। ये हमारी बायोमैकेनिकल फोर्स जो हमारे मसल्स को टेंशन देती है। 12 रेपिटेशंस 25 मिनट के अंदर अंदर जितने सेट किट्स आप कर सकते हैं, और तेज टेस्ट करना है स्मॉल स्टेप्स पानी के। ये था वर्कआउट। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू सो मच।